शिक्षा नगरी कोटा में कोचिंग छात्रों के लापता होने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में यूपी का रहने वाला छात्र लापता हो गया है। लापता छात्र कोटा से अपने घर जाने की कहकर निकला था, लेकिन वो बीच रास्ते लापता हो गया और ऐसे में अब छात्र के पिता अपने बेटे की तलाश के लिए पिछले एक सप्ताह से पुलिस थानों में चक्कर लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। मेरा बेटा 2 तारीख को 2 मई को जो चला है हॉस्टल से 5 बजे, 5 बजे चलने के बाद में बेटी ने फोन करा कि भैया कहाँ गया तू, तो उसने कहा कि बहन के जो डखरिया तालाब स्टेशन आ गया हूँ और ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ। फिर मेरी 6 बजे बात हुई है बेटे से कि भैया कहाँ तू, गए डकनिया पे बैठा हूँ पापा में। मतलब ठीक है बेटा तू जो देख के आइयो ध्यान से। मैं सुबह 4:30 बजे डकनिया तालाब पर वहाँ उतरती थी फोन से, इस बल्लभगढ़ उतरती थी ट्रेन, तो मैं 4 बजे पहुंचा हूं उस पर, ट्रेन रुकी है। लेकिन देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।